अभी तक में आपका स्वागत है। मैं ऋचा अग्रवाल हाजिर हूँ अभी तक की कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की ताज़ा खबरों पर। धामपुर में दुर्गा बिहार कॉलोनी बाईपास स्थित सड़क चौड़ीकरण में अवरोध पैदा करने के लिए किए जा रहे अवैध निर्माण पर उप जिलाधिकारी ने लगाई रोक। दोबारा निर्माण करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला बिजनौर के विद्यार्थी विभाग हल्दौर द्वारा संचालित वीर सावरकर निःशुल्क ऑनलाइन केंद्र का किया गया उद्घाटन। जनपद बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र के ग्राम हसनपुर में 8 वर्षीय मासूम की टाटा मैजिक गाड़ी के नीचे दबकर दर्दनाक मौत। मासूम की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। धामपुर के मोहल्ला बंदूक चौने स्थित राजपूत बिहार कॉलोनी में प्रेमिका की शादी से क्षुब्ध प्रेमी टावर पर चढ़ा। बिजनौर आगामी माह में सम्पन्न होने वाले वृक्षारोपण कार्य जन सहभागिता के साथ जन आंदोलन के रूप में संपन्न कराने हेतु जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जनपद बिजनौर की थाना शेरकोट पुलिस ने जंगल में शिकार करने गए अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अभियुक्त के पास से नीलगाय का मांस और नेवले के बाल भी बरामद किए। सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की ध्वजा उड़ा रहे अधिकारी, जलीलपुर खंड विकास अधिकारी ने भीड़ के बावजूद नहीं लगाया मास्क। कोरोना काल में लोगों की मदद करने वाले डॉक्टर नदीम अहमद को समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष ने किया सम्मानित। कोरोना काल में गरीबों का फ्री इलाज कर रहे थे डॉक्टर नदीम। धामपुर शेरकोट रोड पर मोटरसाइकिल और तेज रफ्तार ट्रक की भिड़ंत, ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत। अब क्या कहूँ, कोई मानता ही नहीं। ऑफिस में रोज पूछते हैं, फेशियल करा के आई है, अब उन्हें क्या मालूम मेरा सीक्रेट। व्हाइट टोन फेस पाउडर, जिससे मुझे मिले ऑयल फ्री लुक, इवन टोन और खिला खिला निखार। व्हाइट टोन फेस पाउडर, आपका चेहरा तारीफ पाने को तैयार। शेरकोट के मोहल्ला चारजान निवासी 23 वर्षीय युवक सुरेंद्र सिंह सैनी की नहर में डूबने से मौत। बीती शाम हर में नहाने गया था युवक। बिजनौर थाना कोतवाली शहर के गांव तिमारपुर में विवाह संबंधी विवेचना करने गए दरोगा पर युवती के भाइयों ने किया हमला। दरोगा के सरकारी कागजात फाड़े, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। अब खबरें विस्तार से। जनपद बिजनौर में सरकारी अधिकारी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की धज्जे उड़ाते दिख रहे हैं। जनपद बिजनौर में जलीलपुर ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी दिनेश कुमार जलीलपुर ब्लॉक में जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के उपचुनाव के नामांकन के दौरान मौजूद भीड़ के बावजूद भी बिना मास्क नजर आए। एक तरफ तो सरकार ने मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना तय किया हुआ है और दूसरी तरफ सरकारी अधिकारी ही आदेशों की धज्जे उड़ा रहे हैं। क्या कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना सिर्फ आम लोगों की ही जिम्मेदारी है? जब सरकारी अधिकारी ही प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे तो जनता के बीच क्या संदेश पहुंचेगा? और अगर इस तरह ही लापरवाही चलती रही तो कोरोना के मामले फिर बढ़ सकते हैं। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। कोरोना काल में लोगों की मदद करने वाले नेटवर्क के डॉक्टर नदीम अहमद को समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष ने सम्मानित किया। अभी तक के रिपोर्टर और चिकित्सक नदीम अहमद ने कोरोना काल में गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया और हमेशा गरीबों की मदद को आतुर रहे, जिसके चलते नगर में डॉक्टर नदीम अहमद की सराहना हो रही है। कोरोना काल में उनकी सेवा को देखते हुए नेटवर्क समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष शमशेर ने डॉक्टर नदीम अहमद को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान नगर के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। मैं डॉक्टर नदीम अहमद, क्योंकि अभी लॉकडाउन में पीछे कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रकोप चल रहा था, अभी भी मौजूद है, तो इसके लिए जो भी गरीब लोग
थे, परेशानी में मेरे पास आए हैं, उनके लिए मैं हर वक्त खड़ा रहा हूँ। चाहे वो रात में आए हैं, दिन में आए हैं, और पैसे के स्तर पे मैंने कभी कोई सवाल नहीं किया। अगर कोई मेरे पास पेशेंट आया भी है तो मैंने उससे ये कहा, आप मुझे किसी भी पेशेंट के सामने इस चीज़ के लिए जताओ भी मत कि आपके पास पैसे नहीं है। इस लिहाज से मैंने जो भी पेशेंट आया उससे कहा है कि आप बिल्कुल मेरे पास से बिना कुछ कहे किसी से भी जा सकते हैं, इस चीज़ के लिए नेटवर्क पूरा गवाह है। और मैं पॉन्टिंग भाई हमारे जो है वो इनका बहुत बड़ा आभारी हूँ, इन्होंने मुझे यहाँ पर शाल उड़ा करके सम्मानित किया, इसके लिए मैं इनका जो है धन्यवाद करता हूँ। और जो है मतलब कहने का बस यही मैं कहना चाहता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। और आगे को भी किसी भी तरह की कोई बात हो, किसी भी तरह का कोई मामला हो, मैं अपने कस्बे के लिए हर तरीके से खड़ा हुआ हूँ। किसी की कोई परेशानी हो, किसी मरीज को कोई प्रॉब्लम हो, पैसे की प्रॉब्लम हो, इसके अलावा भी मैं निःशुल्क ट्रीटमेंट करने को तैयार हूँ। सब लोगों से मेरा ये निवेदन है। बिजनौर थाना कोतवाली शहर के गांव तिमारपुर में विवाह संबंधी विवेचना कर रहे दरोगा पर पीड़ित युवती के भाइयों ने हमला कर दिया और दरोगा जी के सरकारी कागजात भी छीन कर फाड़ दिए। अपर पुलिस अधीक्षक नगर प्रवीण रंजन के अनुसार दरोगा जी जिस वक्त विवेचना कर रहे थे उस समय पीड़ित युवती के भाई और ग्रामीणों ने दरोगा जी के साथ बदसलूकी करते हुए उनके सरकारी कागजात छीन कर फाड़ दिए और उनका मोबाइल भी छीन लिया। उन्होंने बताया कि घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनकी तलाश की जा रही है। गौरव त्यागी की रिपोर्ट। बीती रात थाना कोतवाली शहर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तिमारपुर में एक विवेचना के संदर्भ में उप निरीक्षक संदीप कालरा गांव में गए थे, जिसमें वादी मुकदमा ने इनके साथ अभद्रता की। इसके साथ साथ इसके भाइयों ने, अन्य परिवारिक जन और आसपास के लोग इकट्ठा होकर उप निरीक्षक का मोबाइल छीन लिए, तोड़ दिए, सरकारी कागजात छीन के फाड़ दिए और बदसलूकी इनके साथ की, जिसके लिए थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं अभियुक्तों के। जनपद बिजनौर के हल्दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विद्यार्थी विभाग द्वारा संचालित वीर सावरकर निशुल्क ऑनलाइन केंद्र का उद्घाटन किया गया। ऑनलाइन केंद्र का उद्घाटन बिजनौर विभाग के सह विभाग कार्यवाह प्रशांत महर्षि द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि उक्त केंद्र पर विद्यार्थियों के लिए सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी भर्तियों के फॉर्म निःशुल्क ऑनलाइन पंजीकृत किए जाएंगे। इस अवसर पर जिला विद्यार्थी प्रमुख ललित राजपूत ने बताया कि महिलाओं, किसानों एवं गरीब वंचित वर्ग को प्रमुखता के आधार पर निःशुल्क ऑनलाइन सेवा प्रदान की जाएगी। इस मौके पर नगर के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। गौरव त्यागी की रिपोर्ट। तो उन्हें निःशुल्क सहयोग करने के लिए इस केंद्र की स्थापना करी गई है और जितने भी सरकारी नौकरियों के जो फार्म हैं वो सब यहाँ निर्बल वर्ग के लिए निःशुल्क भरे जाएंगे। जो निर्धन किसान हैं उनके लिए जो खसरा जो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, फरस वगैरह जो भी ऑनलाइन हो सकती हैं, उसकी सुविधाएं अतिरिक्त रूप से जब आई डिमांड यहाँ इसके लिए किया। जनपद बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र में एक मासूम बच्चे की टाटा मैजिक गाड़ी के नीचे दबकर मौत हो गई। मासूम की मौत से परिजनों में भी कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार मंडावली क्षेत्र के गांव हसनपुर में एक बारात जाने की तैयारी चल रही थी तथा एक टाटा मैजिक गाड़ी में डीजे बज रहा था, तभी गांव निवासी एक बच्चा मैजिक गाड़ी पर चढ़ते समय अनियंत्रित होकर गिर गया और गाड़ी के पहिए के नीचे दब गया, जिसके बाद बच्चे को गंभीर रूप से घायल अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मैजिक गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा मत, जल्द हाजिर होंगे अभी तक की बाकी खबरों के साथ। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक डीज चैनल का डिजिटली महाअवतार
अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं, तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर। धामपुर में दुर्गा विहार कॉलोनी बाईपास स्थित सड़क चौड़ीकरण में अवरोध पैदा करने के लिए कराए जा रहे अवैध निर्माण पर उप जिलाधिकारी धामपुर धीरेन्द्र सिंह ने रोक लगा दी है। साथ ही दोबारा निर्माण करने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। जानकारी के अनुसार प्रयास हॉस्पिटल के सामने से दुर्गा विहार बाईपास होते हुए पुष्मानी मार्वल्स तक सड़क का चौड़ीकरण कार्य किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे इस निर्माण स्थल पर पिछले दिनों मोहल्ला कहरान निवासी एक व्यक्ति ने पुष्मानी मार्वल के निकट मानक को दरकिनार करते हुए सड़क पर ही अवैध निर्माण कर लिया था, जबकि नियमानुसार मध्य सड़क के 6 मीटर दोनों तरफ निर्माण कार्य की अनुमति नहीं होती, मगर इसके बावजूद भी एक भूस्वामी ने सड़क पर अतिक्रमण करते हुए निर्माण कर लिया था। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद बीते दिनों इस निर्माण कार्य पर उप जिलाधिकारी द्वारा रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब इस अवैध कब्जाधारी ने अपने प्लॉट पर एक बार फिर से निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया था, जिस पर उप जिलाधिकारी धीरेन्द्र सिंह ने विनियमित क्षेत्र से नोटिस जारी कराते हुए अवैध निर्माण पर रोक लगाने के निर्देश दे दिए। उप जिलाधिकारी के निर्देश के बाद विनियमित विभाग ने मौके पर जाकर अवैध निर्माण पर रोक लगा दी तथा उप जिलाधिकारी के आदेश से अवगत कराते हुए दोबारा निर्माण कराने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। उप जिलाधिकारी धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि अवैध निर्माण पर रोक लगा दी गई है, यदि इसके बावजूद भी निर्माण कराने का प्रयास किया गया तो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धामपुर से अक्षय राजवंशी की रिपोर्ट। ये धामपुर में दुर्गा विहार कॉलोनी के पास में जो कि विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पर एक निर्माण हो रहा है जो कि मानकों के विपरीत हो रहा है और उस पर पहले उनको रोका भी गया था, लेकिन पुनः शिकायत मिली कि ये दोबारा रोकने के बावजूद फिर से निर्माण कर रहे हैं, तो उनको तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया गया है और इसमें आगे की कार्रवाई विनियमित क्षेत्र से करवाई जाएगी। जनपद बिजनौर में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह के निर्देशानुसार अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद की शेरकोट पुलिस ने जंगल में शिकार करने गए एक शिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार शेरकोट पुलिस ने हरेवली खोबेराज नदी के किनारे जंगल में शिकार करने गए अभियुक्त इरशाद पुत्र शफीक को 50 किलोग्राम नील गाय के मांस और नेवले के बाल सहित गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह अपने दो अन्य साथियों के साथ शिकार कर नीलगाय का मीट और नेवले के बाल बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किए अभियुक्त पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना शेरकोट जनपद बिजनौर के द्वारा चेकिंग के दौरान खो नदी बैराज पर एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई, जिसका नाम इरशाद है। उसके पास से 2 अदद देसी एक नाली बंदूक, 5 कारतूस और कुछ नेवले के बाल काटने के उपकरण और नील गाय के मांस के साथ गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। धामपुर में प्रेमिका का निकाह दूसरे युवक से होने से परेशान युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। काफी समझाने व प्रयास के बाद युवक को टावर से सकुशल उतारा जा सका, यह मामला चर्चा का विषय बना रहा। जानकारी के अनुसार नगर के एक मोहल्ला निवासी युवक पड़ोस की एक युवती से प्रेम प्रसंग के चलते प्यार में इतना पागल हुआ, मोहब्बत में खुद को विफल होता देख जीवन खत्म करने के इरादे से मोबाइल टावर पर जाकर चढ़ गया। आरोप है कि युवक के मोबाइल टावर पर चढ़ने की भनक लगते ही मोहल्ले वासियों की भीड़ जमा हो गई। यकायक उसके परिजनों को भी युवक के टावर पर चढ़ने होने की खबर मिली, जिस पर वह आनंद फानन में पहुंचे और युवक से नीचे उतरने की गुहार लगाने लगे। युवक का कहना था कि उसकी प्रेमिका का निगाह दूसरे युवक से हो गया है, इसलिए उसके जीने का अब कोई मकसद नहीं रह गया। लोगों ने युवक को काफी समझाने का प्रयास किया, मगर युवक नीचे आने को तैयार नहीं हुआ। काफी प्रयास के बाद युवक के दोस्त टावर पर चढ़ गए तथा उसे समझा बुझा कर किसी तरह नीचे लाए। उधर सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई,
तथा टावर पर चढ़ने वाले युवक को हिरासत में लेकर कोतवाली आ गई। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में लगी है। मजनू के टावर पर चढ़ने का ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट। अपने डिवीजन मुरादाबाद की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।